Hello everyone, welcome to our channel EME Technologies. Do subscribe our channel and hit the bell icon button for latest updates. This is the best time to make yourselves productive, so feel free to contact us for industrial training and summer training for ultra productivity and peak performance. हेलो गाइस, दिस इज वंदना फ्रॉम ईएमई टेक्नोलॉजीज. आज हम इसमें करेंगे क्रड ऑपरेशन इन वर्डप्रेस. वर्डप्रेस में आपको पता है कि इसमें इनबिल्ट एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है जिसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी अपने आप होती है. तो आज हम जो करेंगे उसमें हम कस्टम फॉर्म तैयार करेंगे और कस्टम डेटाबेस के अंदर उसकी कनेक्टिविटी कैसे करेंगे वो चीज़ हम सीखेंगे. तो उसके लिए आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मेरे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है और मैंने अपना सर्वर भी ऑन कर रखा है. द नेक्स्ट थिंग इज़ ओपन योर वर्डप्रेस फोल्डर. अगर मैं आपको शो करूं कि मेरे पास जो वर्डप्रेस फाइल है जो कि वेब वर्डप्रेस में बनाई गई एक वेबसाइट है वो है ये मेरी वर्डप्रेस पे बनी हुई एक सिंपल सी वेबसाइट है. इस पे मैं काम करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो टू द वर्डप्रेस फोल्डर वेयर योर वेबसाइट इज़ इंस्टॉल्ड. सो आई हैव इन सी ड्राइव ज़ैम्प फोल्डर एंड एचटी डॉक्स एंड दिस इज़ माय वर्डप्रेस फोल्डर वेबसाइट ऑनलाइन हेल्प. सो मैं इसे ओपन करूँगी. यहाँ पे आपको जाना है WP कंटेंट फोल्डर के अंदर एंड उसमें थीम्स आती हैं. थीम्स के अंदर आप कोई भी, जैसे मेरी थीम, आपकी जो भी थीम है, जैसे मेरी थीम हेयर या गो है, तो मैं उस थीम फोल्डर को ओपन करूँगी. यहाँ पे आप कोई भी पेज ले सकते हो. जैसे मैंने इंडेक्स पेज लिया है, राइट क्लिक करके इसको मैं किसी भी एडिटर में ओपन कर सकती हूँ. सो मैं सबलाइम टेक्स्ट में ओपन करने जा रही हूँ. सो मैंने इंडेक्स डॉट पी एच पी की फ़ाइल ओपन कर रखी है. आप उस फाइल को सेव एज कर लीजिए क्योंकि मुझे उसका डिज़ाइन सेम ही चाहिए, तो मैं उसे सेव एज करने जा रही हूँ. एंड मैंने उस फाइल को नाम दे दिया इंसर्ट डेटा एंड सेव दिस फाइल. सो जस्ट जो मुझे कंटेंट नहीं चाहिए वो मैं इसे रिमूव करने जा रही हूँ. जैसे कि मुझे इसमें वाला पार्ट नहीं चाहिए नेविगेशन, तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया. अब यहाँ पे आप अपना एक फॉर्म क्रिएट कीजिए. जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ जो कि आप नॉर्मल पीएचपी में भी क्रिएट करते हैं. मेथड पोस्ट आपने सेट किया, तो नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम एज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ. सेट इट एंटर क्लास. मैं सिंपल इंसर्ट करूँगी. कस्टम फॉर्म बनाया है मैंने जिसके थ्रू मैं डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं.
तो ये जो मैंने पेज क्रिएट किया है उससे पहले आपको टैम्पलेट नेम देना है ताकि आप उसको अपने वर्डप्रेस फाइल के अंदर यूज़ कर सको। सो मैंने यहाँ पे टैम्पलेट नेम से इंसर्ट नाम दिया है एंड मैं इस फाइल को सेव करने जा रही हूँ। मैंने ये फाइल सेव कर दी है। सो डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए यू नीड अ डेटाबेस। सो मैं इसी वर्डप्रेस की फाइल में जाकर इसके डेटाबेस को ओपन करूँगी। उनकी लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन में है। मेरे पास जो डेटाबेस बना हुआ है वो ऑनलाइन हेल्प के नाम से ही है। सो वहाँ जाके मैं अपना कस्टम टेबल भी क्रिएट कर सकती हूँ। ऑनलाइन हेल्प पे आपने क्लिक किया एंड वांट टू इंसर्ट अ न्यू टेबल। सो मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया एंड मैंने इस टेबल को नाम दे दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड। यहाँ पे मैंने एक आईडी प्रोवाइड कर दी, इंटीजर फॉर्मेट के अंदर है, प्राइमरी की एंड सेट इट विद द ऑटो इंक्रीमेंट। द नेक्स्ट थिंग इज नेम, उसमें स्टूडेंट का नेम हम एंटर करेंगे। मैं बैर केयर के साथ सेट किया 200 एंड नेक्स्ट इज क्लास। क्लास भी मैं बैर केयर में ही सेट कर रही हूँ एंड मैंने यहाँ पे एक मार्क्स का कॉलम ऐड किया है जो कि मैं इंटीजर में ही रहने दूंगी एंड क्लिक ऑन द सेव। सो मेरा टेबल भी क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि जो मैंने कस्टम फॉर्म बनाया है उसका डेटा मुझे इस टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना है। सो उसके लिए आप अपनी फाइल पे वापस जाइए एंड वहीं पे PHP कोड आपने इंक्लूड करना है। उसे मैंने यहाँ पे PHP कोड इंक्लूड किया। ईसेट फंक्शन सेट करेंगे इफ़ ईसेट $_POST और मेरे टेबल का नाम इंसर्ट है। मेरे बटन का नाम जो है वो इंसर्ट है। सो आई सेट इट हियर ईसेट फंक्शन सो दैट कि वो फर्स्ट में कोई एरर ना डिस्प्ले करे एंड नेक्स्ट गेटिंग अ वैल्यू फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्सेस। तो मैंने यहाँ पे एक n वेरिएबल ले लिया $_POST एंड मेरे कॉलम का नाम nm है जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे। ये नेम मैंने वहाँ पे यूज़ किया है। जो भी वैल्यू वहाँ पे मैं लिखूँगी वो मेरे डेटाबेस में जाकर स्टोर करेगी। देन $_POST यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ किया एंड मार्क्स के लिए मैंने m वेरिएबल लिया $_ एंड यहाँ पे मैंने मार्क्स एंटर कर दिए। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि मुझे इसके अंदर डेटाबेस में इंसर्ट करना। नॉर्मली हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं जब भी डेटाबेस पर काम करते हैं। हम वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं तो इसमें function.php फाइल में ऑलरेडी सारी क्वेरी लिखी गई है, वहाँ पे ऑलरेडी फंक्शंस क्रिएटेड हैं। सो फॉर क्रिएटिंग कस्टम क्वेरी हम यूज़ करते हैं इसमें ग्लोबल वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया WPDB एंड मैंने यहाँ पे SQL क्वेरी यूज़ करनी है। जब भी हमें कोई डेटा इंसर्ट करना है तो मुझे WPDB इस वेरिएबल को यूज़ करके इंसर्ट क्वेरी यूज़ करनी है। ये कीवर्ड है इसके अंदर इंसर्ट, ताकि हम डेटाबेस में हम जो डेटा डालते हैं वो एरे के फॉर्म में ऐड करते हैं। तो इसमें आपके पास दो जब भी आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे इसमें आपके पास दो चीज़ें पास होती हैं। एक तो यहाँ पे डेटा टेबल का नाम आपने डालना है एंड देन सेकंड स्टेप एरे में आपने उस कॉलम नेम वैल्यू को डालना है। सो जो हमारे टेबल का नाम है दैट इज़ द स्टूडेंट रिकॉर्ड और एरे के अंदर मैंने वैल्यू डाली। इसमें मेरे पास यहाँ पे कॉलम नेम आएगा जो कि मेरे डेटाबेस में जो कॉलम नेम है वो है मेरे पास जो स्टूडेंट रिकॉर्ड का टेबल है उसमें मेरे पास पहला कॉलम नेम है
मैं वहाँ पे नेम एंटर करूँगी कि यहाँ पे आपका वही कॉलम नेम आएगा जो कि आपके डेटाबेस में है, जो सेम सिमिलर है, मेरा नेम कीवर्ड आया हुआ है। एंड मैंने पॉइंट टू नोटेशन यूज़ करके डॉलर एन वेरिएबल डाल दिया कि जो वैल्यू है वो जो भी वैल्यू डॉलर एन में है वो इस कॉलम में जाकर स्टोर हो जाए, और ये कॉलम जो है वो किस टेबल का है, स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से। ऐसे ही मैंने सेकेंड ऑप्शन भी यूज़ किया, नेम क्लास और यहाँ पे डॉलर सी डाल दिया। एंड डॉलर द नेक्स्ट है मार्क्स एंड यहाँ पे डॉलर एम डाल दिया। सो इस तरीके से मेरा डेटाबेस, जो डेटाबेस में वो वैल्यूज़ इंसर्ट हो जाएंगी। अगर आपको टेस्ट करना है कि मेरी क्वेरी इंसर्ट हुई है कि नहीं, तो आप इफ़ कंडीशन डालकर आप टेस्ट कर सकते हो कि इफ़ सीक्वल क्वेरी इज़ ट्रू, तो वहाँ पे इको आप स्क्रिप्टिंग में या आपको मैसेज में जैसे भी आपको शो करना है अलर्ट में मैसेज शो कर देगा डेटा इंसर्टेड। बस आपने स्क्रिप्ट है क्लोज कर दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे आपने एल्स डाला और इको लिखा, एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट आपने ऐड किया। अगर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती है तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आ जाएगा, डेटा नॉट इंसर्टेड। अब मैंने पेज तो क्रिएट कर लिया है, नेक्स्ट थिंग आती है कि इस पेज को अपने वेबसाइट के, अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में इंक्लूड करना। तो उसके लिए आप अपनी वेबसाइट पे जाइए, जैसे मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश ऑनलाइन हेल्प आप अपनी वेबसाइट पे जाइए एंड वीपी एडमिन, ताकि आप उसे लॉग इन कर सको। सो आई हैव अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड मैंने लॉग इन किया। आप देखोगे उसका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब आपको पेजेस इंक्लूड करने हैं, तो मैं यहाँ पे पेजेस पे जाकर ऐड न्यू पेज पे क्लिक करूँगी। एंड यहाँ पे जैसे मैंने न्यू स्टूडेंट करके एक पेज ऐड किया है, और यहाँ से मैं अपना टैम्पलेट, जो कि मेरे टैम्पलेट का नाम इंसर्ट था, अगर आप देख सकते हो कि मैंने जब ये पेज कस्टम पेज क्रिएट किया था तो स्टार्टिंग में मैंने एक टैम्पलेट नेम सेट किया था इंसर्ट, यही टैम्पलेट नेम वहाँ पे पब्लिश हो रहा है, एंड मैंने वहाँ पे इंसर्ट करके इस पेज को पब्लिश कर दिया। पेज को पब्लिश करने के बाद अगर आपको चेंजेस देखने हैं तो प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक कीजिए और आपका वो पेज ओपन होगा। यहाँ पे जो एरर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड नेम, वो इसलिए क्योंकि जो हमने टैम्पलेट नेम है वो कमेंट में नहीं ऐड किया है, तो आपको इसको कमेंट में डालना है। एंड नाउ सेव योर फाइल एंड आप अपने ब्राउज़र में जाकर उसे रिफ्रेश कर सकते हो। सो आप देखोगे कि आपका यहाँ पे फॉर्म ऐड हो गया है। सपोज ऐसे मैं नेम ऐड कर रही हूँ एंड मैंने क्लास ऐड किया एंड मार्क्स ऐड किए एंड इंसर्ट रिकॉर्ड पे मैंने क्लिक किया। सो आप देखोगे कि एक मैसेज शो हो रहा है, डेटा इंसर्टेड। सो हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। आप जाके अपने डेटाबेस को टेस्ट कर सकते हो कि वहाँ पे वो डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। रिफ्रेश कीजिए आप अपने पेज को एंड ब्राउज करके आप वहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। तो ये रिकॉर्ड जो है मैंने इंसर्ट किया था। सो दिस इज़ द कस्टम, ये वर्डप्रेस के अंदर हमने कस्टम फॉर्म तैयार किया है और कस्टम डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।